Your Excellency. Mananya. विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी साथी, मैडम प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। एक्सलेंसी, भारत आपके लिए नया नहीं है, आप पहले भी कई बार भारत की यात्रा कर चुकी हैं, परंतु राष्ट्रपति के रूप में आपकी ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हम भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। ये इंडो स्विस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड एस्टैब्लिशमेंट के 7 दशक पूरे होने का भी समय है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस यात्रा से आपको उसी गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव होगा जो हमें 2016 में अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान मिला था। मुझे ये देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है कि दोनों ही पक्षों की इच्छा सभी स्तरों पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। इस यात्रा से हमारे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और आगे बढ़े हैं। भौगोलिक प्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे विषय भारत और स्विट्जरलैंड दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम MTCR में भारत के शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के समर्थन हेतु स्विट्जरलैंड के बहुत बहुत आभारी हैं। हमने भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। इस एग्रीमेंट के प्रावधानों पर पहले ही बातचीत प्रारंभ हो चुकी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दोनों ही पक्षों ने इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज दुनिया के सामने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी चिंता का गहन विषय है, चाहे ब्लैक मनी हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हथियारों और ड्रग्स के संबंधित मनी हो। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ हमारा सहयोग जारी है। पिछले साल हमने टैक्स से जुड़ी जानकारी के ऑटोमेटिक एक्सचेंज के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड में आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने पर इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ऑटोमेटिक बेसिस पर साझी की जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है और भारत स्विस निवेशकों का विशेष रूप से स्वागत करता है। इस संदर्भ में हम एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। भारत की वृद्धि और विकास में सहभागी बनने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनियों के पास अनेक अवसर है। आज दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी बातचीत के दौरान हमने ये महसूस किया कि उनमें परस्पर लाभ के लिए बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन को लगातार बढ़ाते रहने की पुरजोर इच्छा उसमें दिखाई दी। भारतीय पारंपरिक औषधियां, विशेषकर आयुर्वेद, हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मुझे खुशी है कि स्विट्जरलैंड ने आयुर्वेद को मान्यता दी है तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में
और अधिक सहयोग के लिए उत्सुक हैं। वोकेशनल एजुकेशन और स्किल के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड भारत से लाभ उठाने के लिए स्किल सोनिस का ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके अंतर्गत 5000 से अधिक भारतीय नौजवान लाभ उठा चुके हैं। इस मॉडल का विस्तार करने की दिशा में हम और भी सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना सभी देश कर रहे हैं। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम पेरिस समझौते को लागू करने की जरूरत पर और इसके कार्यान्वयन के तौर तरीके विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं। भारत को अपनी बढ़ती हुई क्लीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की सदस्यता से मदद मिलेगी। इस संदर्भ में एनएसजी की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड के निरंतर समर्थन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल और 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने के हमारे प्रयास क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक्सलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपकी ये यात्रा हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए मैं मैडम प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता हूं और आने वाले महीनों में आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में आपके सार्थक प्रवास की शुभकामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।